चप्पल ला काखर बछोड़ा था तेरी मोरबा मोरबा चप्पल ला दे चप्पल हमला दे गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखो ना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी यार सुबह के बज रहे हैं 6:30 के आसपास बज रहे हैं। तो भाई अभी अपने को 2-3 काम है तो उसको अपने निपटाएंगे। तो यार अपने आज की सबसे पहले यार अपनी स्कूटी चालू करनी है इतने दिनों बाद, मतलब कितने 13 तारीख को लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद यार आज हम लोग 26 तारीख को, तो आज 26 तारीख हो रहा है, तो आज हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। मतलब अराउंड समझ लो 10 दिन से ज़्यादा ही हो गया, 12-13 दिन हो गया। तो चलो आज देखते हैं अपना एक्टिवा स्टार्ट होता है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है चलो वहाँ लेके जाता हूँ पहले मैं। तो देखते हैं भाई कितने केक में स्टार्ट होता है, पहले स्कॉन करते हैं, चोक लेते हैं, पहले 1-2 केक मार के देखते हैं। भाई एक ही केक में स्टार्ट हो गया भाई, चोक लिया, मतलब दूसरे केक में, पहले केक में बस थोड़ा सा लैग किया फिर स्टार्ट हो गया। तो भाई 10 दिन बाद इतना जल्दी स्टार्ट हो गया भाई गाड़ी, बिलीव नहीं हो रहा भाई। अपना प्लेजर को स्टार्ट करता तो भाई बहुत टाइम लग जाता, बट चलो स्टार्ट हो गया, अच्छी बात है। एंड चलो फिर अपना काम निपटा के आते हैं। सबसे पहले आ गए अपने भाई शिवम को लेने, देखते हैं कितना टाइम लगाता है। अभी कॉल किया मैंने उसको, अब भाई देखो पेट्रोल तो फुल है अपना, ठीक है। और भाई बहुत पहली बार गाड़ी निकाले भाई लॉकडाउन में स्कूटी को, कार से तो अभी पिछले ही बार निकले थे कुछ लोग, में आपने लोगों ने देखा होगा। तो अभी हमने शिवम को उठा लिया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा अंडा लेने। तो भाई सीधा चलते हैं, 1 कैरेट अंडा उठाएंगे, ठीक है, मिल जाएगा, काम ही लगा तेरे ख्याल से। तो भाई अंडा ले लिया हम लोगों ने, अब अभी अपन घर के लिए निकल रहे हैं वापस। तो भाई शिवम गाड़ी रख लेगा क्योंकि शिवम को ज़रूरत था। तो भाई चलते हैं घर वापस। एंड भाई जो चांपा में तैयार सब अभी निकल रहा है सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम सब सब्जी लेने आए, मतलब कि नॉर्मल वॉक भी करते रहते हैं मैंने देखा है। और भाई सब्जी वब्जी भी लेना रहता है तो लोग सुबह ही आते हैं, बाकी शाम को तो मिलता नहीं है, तो इसलिए भाई सुबह थोड़ा हलचल रहता है इधर रोड में। तो चलो भाई सीधा घर निकलते हैं और फिर बात करते हैं आगे की। तो भाई शिवम वापस चला गया है एंड हमने अंडा ले आया था 1 कैरेट, तो ये अपने को पड़ा था 145 रुपीज़, 30 अंडे थे इसमें। और भाई यहाँ कैसे बैठा है यहाँ पास, तू खाएगा अंडा? तो भाई फिर से अपने मूड में आ गए। भाई मैंने पीछे बिस्किट रखा है तो इसने स्मेल कर लिया है। और कैसे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है कहाँ है मेरे पास कुछ, कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है भाई, कहाँ है, कुछ नहीं है, नथिंग हियर। अरे एक और आ गया। और भाई कैसे? सो गाइस अभी बिल्ली को हम लोगों ने नहलाया है, देखो कैसे गीला गीला हो गया इसका बाल। इसका ड्राइंग का प्रोसेस चल रहा है अभी। तो भाई देखो यार अभी अपन कर रहे हैं कोविन का रजिस्ट्रेशन, मतलब वैक्सीन के लिए जो अपना ऑफिशियल साइट है कोविन से, वहाँ से अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एंड अभी OTP आ चुका है, फिर उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आया है, तो पहले मैं मम्मी कर रहा हूँ फिर मैं अपना करूँगा, ठीक है। तो फटाफट करते हैं इसको फिर देखते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर कैसा लिख रहा है भाई देखो, तो भाई देखो लिखे यहाँ पास क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन ओनली फॉर इंडिविजुअल्स विथ एज 45 ईयर्स और ओल्डर। भाई अभी अभी तो यार 18 प्लस का हो गया था, बट यहाँ पास नहीं पता क्यों ऐसा आ रहा है, 45 प्लस ही हो पाएगा ऐसा वो लिखा है यहाँ पास। आई डोंट नो यार कैसा करना पड़ेगा,
थोड़ा और रिसर्च करते हैं फिर देखते हैं रजिस्ट्रेशन करके। तो भाई यार रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि भाई अपना जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है भाई 28 से, मतलब पहले 24 होने वाला था बट अब 28 से रजिस्ट्रेशन ऑन होने वाला है। तो भाई आज तो डेट 26 अप्रैल, आज तो 28 अप्रैल को चालू होगा, तो फिर दो दिन बाद ही होगा, तो फिर देखते हैं दो दिन बाद रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है आउट, पहला बॉल में आउट हो गया दर्श, बट हम इनको एक ओ देते हैं, क्या बोला जाए, दूध बाद। गजब बेइज्जती है ये भैया, अपना बैडमिंटन कोर्ट और बॉल हमारे पीछे आ चुके हैं और हम लोग उधर खेल रहे थे, तो चलो अभी बॉल देखते हैं। एंड भाई इधर से आम गिराता हूँ मैं, एक शॉट मार के देखते हैं, तो इसमें देखो बहुत सारा आम है इस पेड़ में, एक शॉट मार के देखते हैं आम गिरता है कि नहीं, मतलब बॉल फेंक के देखते हैं आम गिरता है कि नहीं। कहाँ गया बॉल, इस साइड, वापस से बॉल चला गया है उधर मंदिर साइड। भाई बॉल जो कि इस घर के पीछे आंगन में चला गया था, तो दक्ष कुछ बोलना चाहोगे अपने बॉलिंग के ऊपर? हाँ वो मैंने धीरे डाल दिया बच्चे बोल के, चार बॉल डॉट किया, तीन बार तो हर एक बॉलर बोलता है ऐसे, ये एक्सक्यूज कर रहे हैं। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो भाई मैच ओवर हो चुका है एंड मैं ज़्यादा बड़े बड़े शॉट्स नहीं खेला क्योंकि बाहर में आंटी लोग निकल गए थे, तो मैं ज़्यादा बड़े शॉट्स नहीं खेला, नहीं तो फिर पता है यहाँ पर से 1-2 खेल रहे हैं जो इनका मेन गेम है। गजब बेइज्जती है। तो भाई अभी अपने स्नैक्स टाइम हो गया भाई, कुरकुरे के साथ में भाई अपना फ्रूटी पी रहे हैं। ठीक है इसको पहले अपन खाते हैं। सो गाइज आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।